नमस्ते बच्चों, वेलकम टू इंजीनियर्स बुक। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर बिल्डिंग मटेरियल के बारे में पढ़ रहे थे, और बिल्डिंग मटेरियल के अंदर हमने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने किसको कंप्लीट किया था, हमने हमारे स्टोन के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया, जिसके अंदर हमने रॉक्स का क्लासिफिकेशन कर लिया था, स्टैंडर्ड टेस्ट को पढ़ा था, यदि कोई अच्छी क्वालिटी का गुड बिल्डिंग स्टोन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसको पढ़ा था, और कौन से टाइप के मटेरियल का, किस प्रॉपर्टी के मटेरियल का यूज़ हमें बिल्डिंग स्ट्रक्चर में या फिर हमारे सिविल इंजीनियरिंग में हमें उसे कहाँ पे यूज़ करना है, उसके बारे में मैंने आपको इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था, जो कि आपके पूरे स्टार्टिंग से आप देखो ही हैं, तो आपको सिक्वेंस ऑर्डर से बात समझ में आए। आज हम क्या करेंगे, एक और नया मटेरियल लेने जा रहे हैं। एक मटेरियल हमारा कंप्लीट हो गया, मैंने आपको बताया था सिलेबस जब मैंने आपको इसका डिस्कस किया था, तो मैंने उसके अंदर पढ़ा था कि हमें कम से कम 14 से 15 मटेरियल को पढ़ना है, जिसके अंदर हमने बिल्डिंग मटेरियल का पहला मटेरियल पढ़ लिया था, वो था हमारा स्टोन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा किसको, लाइम को पढ़ने जा रहे हैं। किसको पढ़ने जा रहे हैं बेटा, लाइम को पढ़ने जा रहे हैं। तो आप हेडिंग डाल दें बेटा लाइम, और लाइम को क्या बोलते हैं बेटा, डिप्लोमा वाले बच्चे बोलेंगे बेटा क्या बोलेंगे, चूना बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं बेटा, चूना। तो आज हमें क्या पढ़ना है, लाइम का यूज़ करना है। आज के टाइम पे तो हम मोस्टली चूने का यूज़ थोड़ा कम हो गया है एज़ कम्पेयर टू पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, लेकिन हमने उसका एक सब्स्टिट्यूट निकाल दिया है। उसकी यदि कुछ जो बेड प्रॉपर्टी है उसको रिड्यूस करके हमने क्या कर लिया बेटा, उस लाइम से ही हमने किसको बना लिया बेटा, हमने हमारे सीमेंट को बना लिया। क्योंकि इसके बाद वाले लेक्चर में जब हम नेक्स्ट मटेरियल को हम जो पढ़ेंगे, वो मटेरियल कौन सा होगा बेटा, हमारा सीमेंट का होगा। और उस सीमेंट के अंदर देखा जाए तो उसके अंदर 60 to 65% क्या होता है बेटा, कैल्केरियस मटेरियल होता है। और कैल्केरियस जो मटेरियल होता है उसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि लाइम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, लाइम इज प्रीडोमिनेंट होता है, इसका मतलब उसमें चूना ही होता है। तो ये बात हुई कि हमने जो सीमेंट भी जो हम बना रहे हैं उसके अंदर जो मोस्ट प्रोबेबल जो कॉन्स्टिट्यूएंट हम यूज करते हैं वो कौन सा होता है बेटा, हमारा लाइम ही होता है, चूना ही होता है। बट उससे पहले हम जो प्रीवियस पहले के जो स्ट्रक्चरों में और जो आज भी कहीं पे यदि हम यूज़ करेंगे, तो उसके लिए उस लाइम के लिए हमें उसकी पूरी प्रॉपर्टी को पढ़ना पड़ेगा, उसके क्लासिफिकेशन को देखना पड़ेगा, उसकी हमें पहले तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी वो कहाँ से हमें फाइंड होता है, देन फिर उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे, फिर उसके बाद उसकी क्लासीफाई करेंगे, उस प्रॉपर्टी के बिहार पे हम क्लासीफाई करेंगे, एंड देन लास्ट हम क्या पढ़ेंगे बेटा, उसके यूसेज देखेंगे कि किस टाइप के लाइम का यूज़ आप कहाँ पे करेंगे, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। तो देखो ऑर्डर यही बनता है, कोई भी चीज़ आप पढ़ोगे बिल्डिंग मटेरियल के अंदर या फिर कोई मटेरियल आप यदि पढ़ना चाहते हो, तो आपको देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको यही पढ़ना पड़ता है कि वो हम कहाँ से फाइंड कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी स्टैंडर्ड टेस्ट करके देखना पड़ता है, उसको क्लासीफाई करते हैं, देन फिर उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, उसको यूसेस के अकॉर्डिंग हम उसे अलग से पढ़ते हैं। आई बात बेटा समझे। तो आपको बिल्डिंग मटेरियल के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है, सेकंड नंबर का जो टॉपिक है वो आपको डाल देना है बेटा लाइम। क्या डालना है बेटा, लाइम। ठीक है, तो आप लाइम डाल दें हेडिंग में, आपको लाइम। देखो बेटा लाइम को हम बोलते हैं चूना, क्या बोलते हैं बेटा, हम चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चूना बोलते हैं। अब देखो इसके अंदर लाइम के अंदर यदि मैं आपको स्टार्ट करूं, तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस होती है जिसके बारे में हम क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है, और उसी के बिहाफ पे मैं आपको बता दूंगा कि हम कैसे लाइम को फाइंड करेंगे। आई बात समझ। एक चीज़ याद रखना आप कि लाइम को जो हम फाइंड करते हैं वो कौन सी रॉक से फाइंड आउट करते हैं। रॉक्स मैंने आपको पढ़ा दिए, और रॉक के अंदर मैंने बोला था कि देखो बेटा जहाँ जिस रॉक के अंदर लाइम प्रीडोमिनेंट होगा, चूना होगा, उसी से तो हम चूना निकाल पाएंगे। तो बेटा देखो कि जो हमारी कैल्केरियस रॉक्स होती है, मैंने जो आपको पढ़ाया था क्लासिफिकेशन के अंदर, तो यदि आप प्रीवियस लेक्चर में देखो, ये मैंने जब रॉक्स का क्लासिफिकेशन बताया था, तो कैल्केरियस रॉक्स किस टाइप की होती थी, उसके अंदर जो केमिकल जो होता था वो कौन सा वाला बेटा, लाइम जो होता था वो प्रीडोमिनेंट होता था। कौन सा प्रीडोमिनेंट होता था बेटा, लाइम प्रीडोमिनेंट होता था। आगे बेटा बात समझे। तो जो हमारा लाइम जो निकलेगा वो कौन सी रॉक से निकलता है बेटा, कैल्केरियस रॉक से निकलता है। किससे निकलता है बेटा, कैल्केरियस रॉक से निकलता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मैं अभी आपको पहले क्या कर रहा हूँ, लाइम की मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। तो आपको हेडिंग डाल देनी है, सब्जेक्ट आपका बिल्डिंग मटेरियल है, टॉपिक आपका लाइम है, और उसके अंदर आपको हेडिंग डालनी है सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। हेडिंग डाल दो बेटा आप, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। अब देखो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बेटा
कैलकुलेशंस प्रोसेस, किसकी बारे में बात कर रहा हूँ मैं बेटा, कैलकुलेशन प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दें, पहली जो डेफिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी कैलकुलेशन क्या होता है। तो आप हेडिंग डाल दो बेटा सबसे पहले, कैलकुलेशन प्रोसेस। देखो कैलकुलेशन प्रोसेस क्या होती है, इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में सबसे पहले आपको वही पढ़ूंगा और उसी के अंदर हम बताओ क्या किसको निकाल लेंगे बेटा, लाइन को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो बेटा कैलकुलेशन प्रोसेस होती क्या है, देखो इस कैलकुलेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि यदि आप कोई भी मटेरियल ले लेते हो और यदि आप उसको हीट करते हो, हीट करते हो दैट मीन्स आप उसको गर्म करते हो और आप उसको इतना गर्म कर देते हो कि पूरा वो रेड कलर का हो जाए, कितना हो जाए बेटा पूरा पूरा, मतलब आप जब भी उसको ज़्यादा टेम्परेचर आप दोगे, ज़्यादा टेम्परेचर में यदि आप उसको गर्म करते हो तो बेटा वो कैसा हो जाए, ज़्यादा टेम्परेचर में आप उसको प्रोवाइड करते हो तो वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, रेड कलर में हो जाता है। तो कैलकुलेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हमने कोई मटेरियल लिया और उसको पूरी की पूरा इतना हीट दी कि वो पूरा पूरा रेडनेस में हो गया, इसमें हो गया बेटा रेडनेस में हो गया ये मटेरियल, तो वो प्रोसेस जो आपकी कहलाती है वो कौन सी प्रोसेस कहलाती है बेटा, आपकी कैलकुलेशंस प्रोसेस कहलाती है। और ये किसकी प्रेजेंसी में होता है बेटा, एयर की प्रेजेंसी में ही आप उसको हीट प्रोवाइड करोगे, किसकी प्रेजेंसी में बेटा, एयर की प्रेजेंसी में ही आप हीट प्रोवाइड करोगे। तो कैलकुलेशन की डेफिनेशन क्या बनती है कि भैया एयर की प्रेजेंसी में यदि आपने किसी मटेरियल को इतना गर्म किया जिससे कि वो पूरे पूरा रेड लाल तप्त, इस तरह से बोल सकते हैं बिल्कुल लाल सुर्ख हो गया वो, तो वो उस पॉइंट तक की जो प्रोसेस होगी वो आपकी कौन सी प्रोसेस कहलाएगी बेटा, आपकी कैलकुलेशन प्रोसेस कहलाएगी। तो हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं इसको सिंपल सा के भैया क्या है कि यदि हमने उसको एयर की प्रेजेंसी में यदि हमने क्या किया बेटा, उसको हीट दी तो उसकी वजह से वो किस टाइप में हो जाए, वो मटेरियल पूरा पूरा लाल तृप्त हो जाए, एकदम रेडनेस हो गया, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी बेटा, आपकी कैलकुलेशन प्रोसेस कहलाएगी। हिंदी वाले बच्चे क्लियर है, हिंदी वाले बच्चे उसको नोट डाउन कर सकते हैं, और जो इंग्लिश में पढ़ते हैं वो मेरे आपके लिए डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो बेटा The heating to redness in contact with air are known as calcinations process, are known as calcinations process। क्या बोल रहा हूँ आपसे, मैंने एक बात बोली है, यही चीज को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि यदि आप उसको हीट देते हो और किस कहाँ तक हीट देते हो कि वो पूरा पूरा रेड हो जाए और कॉन्टैक्ट विद एयर की प्रेजेंटी में, एयर के कॉन्टैक्ट में यदि आप देते हो तो ये जो प्रोसेस कहलाती है वो आपकी प्रोसेस क्या कहलाती बेटा, कैलकुलेशन प्रोसेस कहलाती है। मैंने आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया और इंग्लिश में भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आती है बात नेक्स्ट, कैलकुलेशंस कंप्लीट हो गया, अब मैंने आपको कैलकुलेशंस प्रोसेस क्यों पढ़ाई है इसका रीजन जानो, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि जो मेरा लाइन जो मैं फाइंड आउट करता हूँ वो किसके थ्रू फाइंड आउट करता हूँ, लाइन जो फाइंड आउट किया जाता है बेटा वो फाइंड आउट किया जाता है कैल्केरियस रॉक्स से, किससे क्या था बेटा, कैल्केरियस रॉक्स बोल दें या कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोल रहा हूँ बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, क्या बोल रहा हूँ मैं, कैल्केरियस रॉक्स में ही क्या होता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये होगी कि भैया हम लाइम को देखो फाइंड करके बता रहा हूँ, लाइम कैसे फाइंड आउट होता है, उसको रॉक से हम कैसे चूने को निकालते हैं, तो उस चीज़ को अपन समझते हैं। देखो बेटा कि भैया हमने क्या किया, CaCO3 को क्या किया है, CaCO3 क्या बेटा आपका, कैल्केरियस रॉक से या कैल्शियम कार्बोनेट है, आप नीचे लिख लेना इसके। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, मैं प्रोसेस कर रहा हूँ कैलकुलेशंस प्रोसेस, क्या कर रहा हूँ बेटा मैं, कैलकुलेशंस प्रोसेस। अब जब आपने इसको कैलकुलेशंस प्रोसेस दी तो देखो कैलकुलेशंस प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ, कैलकुलेशंस प्रोसेस क्या होती है कि भैया जिसके अंदर हम क्या करते हैं उसको इतनी हीट देते हैं कि वो पूरा रेड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, और विद कॉन्टैक्ट की प्रेजेंसी में हम करते हैं, एयर की प्रेजेंसी में हम करते हैं। तो बात क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे कि जब CaCO3 को जब आप क्या करोगे बेटा, कैलकुलेशंस प्रोसेस से गुजारोगे, कैलकुलेशन प्रोसेस से जब आप गुजारोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, एक तो बनेगा आपका CaO, क्या बनेगा बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बनेगा बेटा आपका CaO, CaO को क्या बोलते हैं बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और साथ में एक चीज रिलीज होगी और वो रिलीज क्या होगी बेटा, आपकी कैल्शियम कार्बोनेट, क्या कैल्शियम बाई कार्बोनेट CO2 आपका रिलीज,
सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ये आपका होगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो बेटा आपका रिलीज हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बचता है, और इधर क्या है बेटा, ये मेरा कैल्शियम कार्बोनेट है। तो देखो सिंपल सी बात है, और ये जो है मेरा ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है मेरा, यही क्या है बेटा आपका क्यूक लाइम है। कौन सा लाइम है बेटा? क्यूक लाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे ही आपने कैलकुलेशन प्रोसेस की किसके साथ, कैल्केरियस रॉक से गैस कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो क्या हुआ बेटा ये CaCO3 के साथ यदि आपने उसको प्रोसेस को किया तो उसके थ्रू क्या बना, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बना और क्या बना बेटा अपना कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी या फिर क्या होगी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो ये चीज जो है CaO यही क्या है बेटा आपका कैल्शियम ऑक्साइड जो है यही क्या है बेटा आपका क्यूक लाइम में, क्या लाइम है बेटा क्यूक लाइम में। और यदि एक चीज तो क्लियर होगी, और यदि नोट डाल के लिख लो बेटा, यदि मैं लाइम को फाइंड करता हूँ किससे थ्रू बेटा, क्लीन से थ्रू, क्लीन मतलब होती भट्टी के थ्रू यदि मैं फाइंड आउट करता हूँ, क्लीन के थ्रू यदि हम मैं किसको फाइंड आउट करता हूँ बेटा, लाइम को फाइंड आउट करता हूँ, तो वो लाइम कहलाता है मेरा लंप लाइम। कौन सा लाइम कहलाता है बेटा? लंप लाइम कहलाता है, LUMP लाइम कहलाता है। कौन सा लाइम कहलाता है बेटा? लंप लाइम कहलाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। आइए बेटा बात समझे, तो लंप लाइम पढ़ लिया है, क्यूक लाइम मैंने फाइंड आउट कर लिया है, तो आपको डिफरेंस पता पड़ जाना कि क्यूक लाइम और लंप लाइम में क्या डिफरेंस होता है। एक को तो अपन कैलकुलेशन प्रोसेस के थ्रू फाइंड आउट करते हैं, तो कैलकुलेशन प्रोसेस के थ्रू CaCO3 कैलकुलेशन रॉक्स को हमने क्या किया, कैलकुलेशन प्रोसेस से थ्रू गुजारा है, तो हमारा क्या बना है, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड बना है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए, CO2 हमारी रिलीज होगी। और यदि मैं लाइम को किसके थ्रू फाइंड आउट करता हूँ, नोट डाल के लिखना है, लाइम को यदि मैं फाइंड आउट करता हूँ क्लीन के थ्रू, भट्टी के थ्रू यदि मैं फाइंड आउट करता हूँ, तो वो जो लाइम मिलेगा मुझे वो कौन सा मिलेगा बेटा मेरा, वो मेरा लंप लाइम मिलेगा। कौन सा लाइम मिलेगा बेटा? लंप लाइम मिलेगा। तो ये आपकी दोनों चीज होगी है। आइए बेटा बात समझ में, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, कैलकुलेशन प्रोसेस यहाँ पे हम उसको हीट देते हैं और हीट इतनी देते हैं कि पूरी रेडनेस हो जाए और कॉन्टेक्ट विथ एयर के साथ देते हैं। दूसरी चीज बात करूँ मैं बेटा, हमारा लाइम कैसे जनरेट होता है, तो लाइम जनरेट होने के लिए भैया क्या है कि CaCO3 जो है हमारा उसको हम कैलकुलेशन प्रोसेस से थ्रू गुजारते तो CaO बनता है, और CaO जो होता है वही क्यूक लाइम होता है और CO2 होता है, ये लाइम बन गया मेरा, दैट्स इट। दूसरी बात करूँ मैं हमारे लंप लाइम की, तो यदि आपने कैलकुलेशन रॉक्स को यदि भट्टी में रखा और उससे जो हमारा लाइम बनेगा वो कौन सा लाइम बनेगा बेटा मेरा? लंप लाइम बनेगा। तो ये दोनों चीज़ें बन गई, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, नोट जरूर लिख लेना, और ये दोनों चीज़ें आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। देन फिर अब मैं आगे क्या पढ़ूंगा, आगे मुझे पढ़ना है इसके अलावा और भी बहुत सारे डेफिनेशन है, हम एक एक वन बाय वन चीज़ें पढ़ते चले जाएंगे। तो आप एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन फिर अपना आगे बात करते हैं। देखो अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें नेक्स्ट डेफिनेशन को पढ़ना है, और वो है बेटा मेरी हाइड्रोलिसिटी। क्या है बेटा? हाइड्रोलिसिटी। अब देखो हाइड्रो मतलब भी अपन जानते हैं कि भैया यहाँ पे डैम प्लेस की बात हो रही होगी या फिर वाटर की बात हो रही होगी, ठीक है। तो इसके अंदर हाइड्रोलिसिटी क्या होती है कि यदि मेरा लाइम क्या होता है कि सेट्स होता है मतलब कि सेट होता है किसके अंदर, डैम प्लेस के अंदर यदि सेट होता है तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है उस लाइम की? हाइड्रोलिसिटी कहलाती है। ये चीज आपको याद रखनी है। क्या बोल रहा हूँ मैं? हाइड्रोलिसिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा लाइम है वो सेट हो रहा है मतलब कठोर हो रहा है किसमें, डैम प्लेस में भी या फिर अंडर वाटर में जो है हमारा लाइम वो क्या हो रहा है बेटा? सेट्स हो रहा है। तो वही चीज, वही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है बेटा आपकी? हाइड्रोलिसिटी कहलाती है। तो डिप्लोमा वाले बच्चे ये जरूर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं डिप्लोमा वाले बच्चे, लिख सकते हैं कि जो हमारा लाइम जो होता है वो क्या होता है? कठोर होता है किसमें? डैम प्लेस में। तो वो जो प्रॉपर्टी कहलाती है, या वाटर अंडर वाटर में यदि जो कठोर होता है, सेट होता है, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है बेटा आपकी? हाइड्रोलिसिटी कहलाती है। एक तरह से लाइम की प्रॉपर्टी कहलाती है हाइड्रोलिसिटी। तो देखो बेटा हाइड्रोलिसिटी के बारे में अपन क्या लिखें, क्या देखो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ लाइम इन विच लाइम आर सेट अंडर डैम्प प्लेस। क्या है बेटा? अंडर डैम्प प्लेस।
क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे बात ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो मेरा क्या है लैम की एक प्रॉपर्टी है, डैम प्लेस या फिर अंडर वाटर भी आप लिख सकते हो, कि एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर क्या होता है कि लैम सेट्स होता है, सेट होता है मतलब कठोर होता है, किसकी कंडीशन में, डैम प्लेस वाली जगह पे, डैम वाली जगह जहाँ से आप अंडरग्राउंड जो होते हो, डैम जगह होती है जहाँ पे वाटर प्रेजेंट हो, आस पास एरिया में वाटर प्रेजेंट हो, तो वो मेरा डैम एरिया है। या फिर अंडर वाटर की बात करें तो वहाँ पर यदि मेरा लैम जो सेट होता है वही चीज़ क्या कहलाती है बेटा, हमारी हाइड्रोलिसिटी कहलाती है। अब देखो इसके बाद दो डेफिनेशन और आप लिख लेना, मैंने आपको बता दिया है वैसे भी, क्यूक लाइम एक तो बेटा क्या है मेरा क्यूक लाइम, तो क्यूक लाइम क्या होता है, क्यूक लाइम की डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे कि भैया क्यूक लाइम वो लाइम होता है जब आप लाइम स्टोन बोल सकते हैं CaCO3 को है ना, या फिर कैल्केरियस रॉक्स को जब आप कैल्किनेशन प्रोसेस से गुजारते हैं तो उससे थ्रू जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है बेटा, आपका क्यूक लाइम ही होता है। वेरी गुड। अब इसके बाद बात आती है बेटा कौन सी, लंप लाइम की, एक और में बेटा मेरा लंप लाइम, आप इसको लिख लेना, मैंने आपको बता दिया और वहाँ पे मैंने आपको प्रोसेस बता दिए तो आप उसको लिख लेना साथ में, ठीक है। अब नेक्स्ट बात होती है बेटा किसकी, लंप लाइम की बात होती है, तो देखो बेटा लंप लाइम होता क्या है, लंप लाइम के अंदर ये होता है कि यदि आप क्यूक लाइम को यदि क्लीन, ये याद रखना कि होता क्यूक लाइम ही है, लेकिन यदि आप क्यूक लाइम को यदि आप क्लीन के थ्रू पास कराओगे या फिर उसके थ्रू पास कराओगे और उसे हीट दोगे तो वो जो लाइम कन्वर्ट हो जाएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, हमारा कौन से लाइम में हो जाएगा, लंप लाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे क्या होता है क्यूक लाइम को किससे थ्रू पास कराते हैं, पासेस थ्रू क्लीन एंड देन फाइनल रिजल्ट आर फाइंड लंप लाइम। आइए बेटा बात को, और जो मेरा अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है वो, और वो पूछा है क्या बेटा कि हमारा क्या कि हमारा प्योर लाइम क्या होता है, तो प्योर लाइम किसको बोलते हैं बेटा, प्योर लाइम भी हम क्यूक लाइम को ही बोलते हैं, किसको बोलते हैं बेटा, प्योर लाइम भी हम क्यूक लाइम को ही बोलते हैं। तो आप ये चीज जरूर लिखना कि जो प्योर लाइम है वही क्या है बेटा, हमारा क्यूक लाइम है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है, कौन कौन सी चीजें, कि पहली बात तो क्या है भैया हाइड्रोलिसिटी समझ में आ गई कि भैया जो मेरा लाइम है क्या हो रहा है, सेट हो रहा है कहाँ पे, अंडर वाटर या डैम प्लेस वाले एरिया में, यदि कठोर सेट होता है, कठोर होता है तो सेटिंग होती है उसकी, तो वो चीज़ क्या कहलाती है बेटा, आपकी हाइड्रोलिसिटी कहलाती है, ये प्रॉपर्टी उसकी हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्यूक लाइम की, तो क्यूक लाइम यदि मैं लाइम स्टोन को कैल्केरियस रॉक से थ्रू पासेस कराता हूँ तो जो मेरा लाइम जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, किस में कन्वर्ट हो जाता है, जो लाइम स्टोन होता है वो क्यूक लाइम में कन्वर्ट हो जाता है या प्योर लाइम में मिल जाता है हमें CaO कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट बात करते हैं हम लंप लाइम की, किसकी बात करते हैं बेटा, हम लंप लाइम की बात करते हैं, तो देखो लंप लाइम के अंदर क्या होता है कि मेरा जो लाइम है क्यूक लाइम उसको यदि मैं क्लीन के थ्रू पासेस कराता हूँ तो उसके बाद जो मेरा रिजल्ट बनता है वो कौन सा बनता है। देखो लंप लाइम बनने के लिए पहले उसे क्यूक लाइम बनना पड़ेगा, तो पहले क्यूक लाइम स्टोन से क्यूक लाइम बना और क्यूक लाइम से ही क्या हुआ बेटा, आपका लंप लाइम बनाए जब आपने उसको क्लीन के थ्रू पासेस कराया। इतनी चीज आई समझ में। अब नेक्स्ट बात क्या है, एक डेफिनेशन लिखो सेटिंग की, किसकी बेटा सेटिंग क्या होती है ये देख लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है यहाँ पे आप डाल दो, ठीक है जैसे कि आपके पहले ऊपर वाली अपन ने कितनी डेफिनेशन पढ़ ली थी, दो डेफिनेशन, एक डेफिनेशन पढ़ ली थी कौन सी वाली, हमने कैलकुलेशंस पढ़ ली थी और हमने कैलकुलेशंस प्रोसेस को भी पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड है मेरी, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, अब नेक्स्ट आपको सिक्स डालनी बेटा, वो है हमारी सेटिंग। तो देखो बेटा सेटिंग होती क्या है इसको अपन समझते हैं, तो देखो सेटिंग के अंदर क्या होता है, यदि मेरा लाइम जो पेस्ट फॉर्म में है, जब आपने उसको वाटर में, जब आपने उसके अंदर वाटर को ऐड किया तो वो पेस्ट फॉर्म में, और वो पेस्ट फॉर्म से वो किस में हार्डेड होने लगा, उसके बाद कुछ टाइम बाद वो हार्ड होने लग गया, तो वो जो प्रोसेस है वही प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा, मेरी सेटिंग प्रोसेस कहलाती है। कौन सी प्रोसेस कहलाती है बेटा, मेरी सेटिंग प्रोसेस कहलाती है। कौन सी प्रोसेस कहलाती है, सेटिंग प्रोसेस कहलाती है, कि जब आपने लाइम में वाटर को ऐड किया तो वो पेस्ट फॉर्म में बना और पेस्ट फॉर्म से वो हार्डेड में या सेट होने लगा, तो वही चीज क्या कहलाएगी बेटा, आपकी सेटिंग कहलाएगी। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दिए, मैंने जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की मैंने वो लिख दिए, और ये चीज आपको सारी चीजें पता है, इसको आप लिखते चले जाए, डिप्लोमा वाले बच्चे भी और बीटेक वाले बच्चे भी, ठीक है। क्योंकि देखो एक चीज ये जरूर है कि थ्योरिटिकल सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, तो आपको इसके अंदर क्या याद रखना पड़ेगा कि मैं जितनी भी आपको लाइनें बोलता हूँ, जो भले बोर्ड पर ऐसे तो मैं पूरी पूरी किताब छाप दूँ यहाँ पे, तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका रजिस्टर भरेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा, जबकि
इसके अंदर क्या है कि मैं तो आपको क्या कर सकता हूँ, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो सकती है वो मैं आपको बोर्ड पे लिख के बता सकता हूँ, अदरवाइज जो और जो दूसरी थ्योरेटिकल चीज़ें वो मैं आपको बोल के समझाऊंगा, दो बार तीन बार बोल के समझाऊंगा, तो आप उस डेफिनेशन को क्या कर सकते हो, वरना मैं पूरी पूरी किताब छाप दूँ आगे भैया, या पूरी पूरी ये लो भैया पूरी पूरी इतनी डेफिनेशन है, तो आपको मैं वो नहीं बताना चाहता हूँ। मैं आपको आपके जो नोट्स है उसको इस तरह बनाना चाहता हूँ जिससे कि क्या हो सके कि आप खुद भी अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप उसको लिख सकें, क्योंकि आपको हर बात को मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को भी आपको कैच करना है। जैसे कि मैंने आपको बोला लंप लाइम के अंदर क्या होता है, क्विक लाइम जो होता है उसको जब हम क्लीन के थ्रू निकालते हैं, क्लीन के प्रोसेस कराते हैं, तो उसके बाद हमारा क्या बनता है, हमारा लंप लाइम बनता है। तो आपको इस लाइन को आपको अपने अकॉर्डिंग लिख लेना है जिससे कि आपका क्या हो सके कि फिर हमारा क्वेश्चन छूटे ना, है ना। दूसरी चीज क्विक लाइम जो होता है वही प्योर लाइम होता है। तो ऐसी सारी चीज़ें ये बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट है, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है वहाँ पे हम पूरी पूरी किताब छपा दें उससे कुछ भी नहीं होने वाला है ना। तो उसके लिए आपको क्या उसमें क्या करना पड़ेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सुनने पे भी ध्यान देना, बोर्ड पे जो लिख रहा हो तो ठीक है लेकिन जो हम बोलते हैं उस चीज़ को भी आपको एक एक लाइन को ध्यान से सुनना पड़ेगा जिससे कि आप उसको भी अपने रजिस्टर में लिखते चले जाएँ। ठीक है, ये बात क्लियर होगी, अब मैं बाद में नहीं बोलूँगा। ठीक है, ये होगी हमारे छह डेफिनेशनों की। अब एक चीज और बची है, वो बची बेटा कौन सी, स्लेकिंग प्रोसेस। कौन सी बची बेटा, स्लेकिंग प्रोसेस बची है, तो वो और पढ़ लेते हैं, देन फिर हमारा पूरी की पूरी जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है वो हमारी इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अपन अब पढ़ते हैं बेटा स्लेकिंग प्रोसेस, स्लेकिंग प्रोसेस होती क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन स्लेकिंग प्रोसेस। अब हमें किसको पढ़ना है बेटा, स्लेकिंग लाइम या हाइड्रेट लाइम को पढ़ना है, और एक चीज़ और पढ़नी है, वो पढ़ना है बेटा हमें स्लेकिंग प्रोसेस को पढ़ना है। किसको पढ़ना है बेटा, स्लेकिंग प्रोसेस को पढ़ना है। तो सबसे पहले तो देखो मैं आपको स्लेकिंग लाइम या हाइड्रेट लाइम को बता देता हूँ, देन फिर मैं आपको क्या बताऊँगा बेटा, स्लेकिंग प्रोसेस को बताऊँगा। तो एक बार आप यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो करें स्टार्ट। अब देखो बेटा इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्लेकिंग लाइम या फिर स्लेक्ट लाइन भी बोलते हैं इसको, या फिर हाइड्रेट लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रेट लाइन भी बोलते हैं हम इसको। तो देखो क्या होता है हाइड्रेट लाइन या स्लेकिंग लाइन जो होता है, तो आप हेडिंग डाल लें बेटा, क्या डालेंगे, स्लेक्ट लाइन, और क्या बोलते हैं, हाइड्रेट लाइन भी बोलते हैं, हाइड्रेट लाइन। तो देखो बेटा स्लेकिंग लाइन या हाइड्रेट लाइम आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस चीज को आपको समझना है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या होता है हमारा कि जो हमारा क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बोलता हूँ, क्विक लाइम जो होता है, क्या होता है बेटा, क्विक लाइम जो होता है, तो भैया ये लो CaO, ठीक है CaO ही होता है हमारा। अब इसके अंदर क्या हुआ हमारा, और वॉटर को एड कर दिया आपने, वाटर को ऐड किया, जब भी आप क्विक लाइम के अंदर वाटर को ऐड करोगे तो कौन सी प्रोसेस होती है, स्लेकिंग प्रोसेस होती है, स्लेकिंग प्रोसेस होगी। अब स्लेकिंग प्रोसेस जो होगी उसकी वजह से क्या बनेगा आपका, CaOH का ट्वाइस बनेगा, यही क्या कहलाता है आपका, स्लेक्ड लाइम कहलाता है, या फिर क्या कहलाता है आपका, हाइड्रेट लाइम कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा आपका, हाइड्रेट लाइम कहलाता है। और साथ में इससे क्या रिलीज होती है बेटा, हीट और रिलीज होती है, साथ में आपके क्या रिलीज होती है बेटा, हीट और रिलीज होती है। आगे बेटा बात समझ में, तो आप पहले एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लें, देन फिर अपन आगे बात करते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये चीज बोल रहा हूं कि स्लेक लाइम या हाइड्रेट लाइम क्या होता है, स्लेक लाइम या हाइड्रेट लाइम वो लाइम होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जब हमने क्विक लाइम जो है मेरा, इस क्विक लाइम के अंदर क्या किया बेटा, मैंने वाटर को जैसे ही ऐड किया, किसको ऐड किया बेटा, वाटर को जैसे ही ऐड किया, तो ऐड करने के बाद क्या कौन सी प्रोसेस होगी, स्लेकिंग प्रोसेस होगी, जिसके अंदर क्या बनेगा, एक तो आपका हाइड्रेट लाइम बनेगा, जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा आपका स्लेक्ट लाइम होगा या फिर हाइड्रेट लाइम होगा, जो CaOH का होल ट्वाइस बोलते हैं जिसको, और रीट जो होगी मेरी बेटा वो रिलीज हो जाएगी। अब बात आई मेरे स्लेकिंग क्या होती है, अभी स्लेकिंग प्रोसेस एक नई डेफिनेशन आपको पढ़नी है, वो आपकी होगी स्लेकिंग प्रोसेस क्या होती है। तो देखो स्लेकिंग प्रोसेस के अंदर की यदि बात करूँ, तो जब आप
क्विक लाइम के अंदर लिख लेना इसको। जब हम क्विक लाइम के अंदर जब हम वोटर को ऐड करते हैं तो क्या होता है बेटा, कुछ टाइम बाद उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और वो क्या होता है बेटा, वो फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। और वो क्या होता है, क्रैक्स फूलने के बाद उसके बाद जैसे ही वो थोड़ा सा सूखने लगा तो उसमें क्या हो जाएंगे बेटा, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। और उसके बाद जो आपको लाइम की जो फॉर्म मिलेगी, जो कन्वर्टेड फॉर्म जो मिलेगी, वो कौन सी होगी बेटा, आपकी हाइड्रेट लाइम होगी या फिर स्लेक्ट लाइम होगी। तो ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि जो मेरा जब वाटर को ऐड किया था तो उसके बाद क्या हुआ, उसके अंदर स्वेलिंग आना स्टार्ट हुई। और स्वेलिंग पहले स्वेलिंग आएगी, देन फिर जैसे ही वो सूखने लगा तो उसमें क्रैक्स डेवलप हो गए। और उसके बाद जो हमें फाइनल रिजल्ट मिला है वो क्या मिला है हमें, कि वो कन्वर्ट हो जाए स्लेक्ट लाइम में या फिर हाइड्रेट लाइम के अंदर हमारा हो गया है। आई बात बेटा समझ में? तो इस तरह क्या होती है, यही चीज क्या कहलाती है, ये जो पूरी प्रोसेस है ये प्रोसेस आपकी कहलाती है स्लेकिंग प्रोसेस कहलाती है। कौन सी प्रोसेस कहलाती है बेटा, स्लेकिंग प्रोसेस कहलाती है। आई बात समझ में? वेरी गुड, ये आपको पूरा समझ में आ गया कि स्लेकिंग प्रोसेस होती क्या है, स्लेक्ट लाइम या हाइड्रोलिक लाइम होता क्या है, ये चीज। तो आज के लेक्चर में हमने पूरा का पूरा क्या पढ़ लिया बेटा, हमने पढ़ लिया है कि इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी वो मैंने आपको बता दी। पहली बात कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन दैट मींस यहाँ पे क्या होता है कि यदि आप कोई मटेरियल को यदि हीट दोगे कहाँ तक, किस लेवल तक, रेड हो जाए पूरा लाल तृप्त हो जाए तब तक यदि आप उसको हीट दोगे तो जो प्रोसेस कहलाती है वो आपकी कैलकुलेशन प्रोसेस होती है और कॉन्टैक्ट विद एयर की बात हो रही है। दूसरी बात करी जाए आपकी कि यदि हमने क्विक लाइम कैसे फाइंड आउट किया, तो क्विक लाइम करने के लिए हमने क्या किया था, जब हमारा लाइम स्टोन था उसके ऊपर जब हमने क्या दी, जब हमने वहाँ पे कैलकुलेशन प्रोसेस देख में हीट दिया तो वो जो बना है वो CaO बन जाए, क्विक लाइम बन जाए। क्या बन जाए बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाए। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाए। आगे बेटा बात समझे, अब नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद मैंने पढ़ाया था तुम्हें हाइड्रोलिसिटी, तो हाइड्रोलिसिटी के अंदर मैंने आपसे बोला था कि लाइम का सेट होना अंडर वाटर डैम प्लेस या नो फ्री सर्कुलेशन एयर, वहाँ पे फ्री सर्कुलेशन एयर नहीं है, डैम प्लेस में फ्री सर्कुलेशन एयर की कंडीशन नहीं होती है, तो वहां पे वो जो जिसके अंदर वो हार्ड हो रहा है वो चीज क्या कहलाएगी बेटा, आपकी हाइड्रोलिसिटी कहलाएगी। क्विक लाइम, लंप लाइम बहुत अच्छे से समझा दिया है, देन सेटिंग भी आपको बता दी। इसके बाद आज भी हमने पढ़ा है स्लेक्ट लाइम या हाइड्रेट लाइम को, स्लेकिंग प्रोसेस के थ्रू जो लाइम बनता है वो हमारा क्या होता है, स्लेक्ट लाइम कहलाता है या फिर हमारा क्या कहलाता है, हाइड्रेट लाइम कहलाता है। और लास्ट में आपको स्लेकिंग प्रोसेस भी आपको लिख लेनी है। इसके बाद फिर स्लेकिंग प्रोसेस के अंदर जब हम क्विक लाइम में वाटर को ऐड करते हैं तो उसके थ्रू क्या होता है कि वो पहले स्वेलिंग होगी, देन फिर उसके ऊपर क्रैक्स डेवलप होंगे, तो ये प्रोसेस जो होती है। और उसके बाद जो हमें फाइनली प्रोडक्ट जो मिलता है वो प्रोडक्ट क्या होता है बेटा हमारा, वो कन्वर्टेड हो जाता है किसके अंदर बेटा हमारा, हाइड्रेट लाइम में या फिर सिलेक्ट लाइम में। आएगी बेटा बात समझ। तो ये आपकी पूरी की पूरी डेफिनेशन होगी। अब हम कल क्या पढ़ेंगे, कल हम मैं आपको डिफरेंट टाइप के लाइम के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा, लाइम के बारे में बताऊंगा जिसके अंदर अपने लाइम कन्वर्ट कर लिया, क्विक लाइम पढ़ लिया, फैट लाइम पढ़ लिया, सारी चीज़ पढ़ ली। अब अपन कल टाइप्स पढ़ेंगे जिसके अंदर अपन फैट लाइम होता क्या है, हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है, पोअर लाइम क्या होता है, उसके बारे में पढ़ें। देन फिर हम इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी को देखेंगे और फिर उसके यूजेस को पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक या दो लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन फिर अपन आगे इस लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक है, तो एक काम करिए आप कंटिन्यू इस चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, और जो भी आपकी प्रॉब्लम या डाउट आते हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। ठीक है बेटा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।